नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल बैक इन योर ऑन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स। ये बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स की एक एक करके चर्चा करेंगे, और ये अपना डेली रूटीन भी है, डेली एनालिसिस भी है, उसका पार्ट है। तो शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ये डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल अगर आपको नीचे मिलता है, जितना मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, जितना इसके आसपास मिलता है आपको वहां पे बाइंग करनी है। एसएल लगाना है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, क्लोज तो नहीं हो जाता, ठीक है, एसएल लगाना है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, क्लोज तो नहीं हो जाता। बस सिंपल, रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, क्लोज होगा बहुत छोटा रिस्क है, और इसके आसपास जितना बाई करे बाई कर सकते हैं। इंट्राडे बाई नहीं करना है, अब बाई करना है आपको जुलाई मंथ के लिए या अगस्त मंथ के लिए। टारगेट लेके चलें जुलाई का 36,500, अगस्त का लेके चलेंगे तो चलें 38,000, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा फटेगा, नीचे की तरफ क्लोज कर देता है। तो एक बार को कुछ मत करना, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन थर्सडे वाले दिन आते हैं, तो मैं उन्हें जनरली इतना कंसिडर नहीं करता, ना ही थर्सडे के मूव को मैं ब्रेकआउट मानता हूँ, ना ही थर्सडे के मूव को मैं ब्रेकडाउन मानता हूँ। इन केस ब्रेकडाउन हो जाता है तो पोजीशन को रिवर्स मत करना कि भाई ये सपोर्ट टूट गया, उड़ जाएगा नीचे की तरफ। चुपचाप से लॉन्ग से निकल जाना और एसएल हिट मान लेना, जो भी आपने बाइंग कर रखी होगी 34,550-34,640 के अराउंड, उससे निकल जाना, क्योंकि क्या कहते हैं, वो तो हो ही नहीं सकती, लॉस तो हो ही नहीं सकता वहां पे अगर किसी ने बाइंग करी है, क्योंकि कल ये लेवल 34,700 के लगभग आ रहा है, 34,700 के लगभग आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये टूटे। तो ये मेरा बैंक निफ्टी के प्रति व्यू है, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक ने गाइस ठीक ठाक सुबह चाल दिखाई थी, क्लोजिंग इसकी भी अभी क्या कहते हैं 1480 के ऊपर ही है, 1480 के ऊपर है, तो बीच बीच में आपको 195 दिखाता रहेगा, फिर 1448 के बीच में आता रहेगा। नेक्स्ट बाइंग जो इसकी बनती है वो 1495 के ऊपर ही बनती है, देन टारगेट है 1505-1525, ठीक है, 1505-1525, ये मैंने आपको जून सीरीज का ही बता दिया। 1495 के ऊपर बाई करिए, 1505 फिर 1525। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है, अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है तो, क्योंकि ये भी काफी दिन से फंसा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, 8 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, और जो इसने ब्रेकआउट दिया था आज आके उसको रिटेस्ट किया है, तो इसमें बाइंग करनी है आपको। बहुत छोटा एसएल बता रहा हूँ, 636 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है आपका एसएल हिट हो जाएगा, इसमें बाइंग करके चले। टारगेट रहेंगे 644-653-662, ठीक है, अगले 6 से 7 दिन के लिए मैंने आपको बता दिया। बहुत छोटा ऐसे ले रहा हूँ, 636 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है, और आज ये कहां पर है, 638 की कहीं पर है, नीचे की तरफ मिलता है बाई करना है, ठीक है, 32-33 की तरफ मिलता है, वहां पे बाइंग कीजिए, 636 के नीचे क्लोज हो जाए ऐसे लगा दीजिए। ऐसा आपको बताने वाला कोई मिलेगा तो मेरे को बताना। अब आ जाते हैं एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक का गाइज मैंने एक मोटी रेंज खींची हुई है, बीच में कुछ मत कीजिए, बहुत नाटक कर रहा है। 751 के ऊपर जिस दिन क्लोज हो उस दिन बाई करें, 730 के जिस दिन नीचे क्लोज हो उस दिन सेल करें। 751 के ऊपर क्लोज होने पे आप बाई करेंगे तो 775-780 ये आपके टारगेट रहेंगे। कोटक बैंक ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, ठीक है, ये देखिए कोटक बैंक। हाँ दोस्तों, तो ये जो कोटक बैंक है इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है, ये देखेंगे आप, ये इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। अब ये यहां से नीचे की तरफ आता है अगर, ठीक है, तो इसमें मैंने बाय कॉल भी दिया था यहाँ पे, बट ये इसने नीचे की तरफ इसको तोड़ के यहाँ, तो भैया वो ऐसे हिट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सेम केस ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको दिखाया, ये सेम, अगर ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज कर देता है, ये लेवल आ जाएगा आपका 34,700, इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो सब लॉन्ग पोजिशन वोजिशन निकाल लेना अपनी, और इसमें आप लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि बाइंग आपकी 640 और 550 की ओर रखी है, ठीक है। और जितना इस लाइन के आसपास आपको मिले प्लीज बाई कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इस लाइन के नीचे क्लोज करेगा। वैसे तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग होने पे होता है, बट आप एक में ही हम मान लेंगे, ठीक है, और ऊपर से कल थर्सडे है, ठीक है। अब कहाँ थे हम, कोटक बैंक में। कोटक बैंक अभी देखो दोस्तों, लास्ट में इसने खींचा है कि क्या किया, एक बार देखते हैं इसका इंटरनल चार्ट देखते हैं। हाँ,
रेंज बाउंड टाइप ही रहा है यार। तो 1750 का फिर भी एक जिस कैश में जिसने होल्ड कर रखा है 1750 लगा लें आप एक बार। और नहीं, 1750 भी टूटा तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर आएगा। फिर ये 725, 1725, 1750 टूटा तो 1725, 1730 के टारगेट हैं कोटक बैंक के नीचे के, जो कि एक ही दिन में दिखा देना चाहिए इसको, ठीक है। पर अगर बैंक निफ्टी ने जंप मारा तो ये भी जंप मारेगा। अगर कल ये इस लाइन के ऊपर दोबारा क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो इट मीन्स दिस ब्रेकडाउन इज ए, क्या कहते हैं, ये फॉलोअप नहीं हुआ इस ब्रेकडाउन का, फॉल्स ब्रेकडाउन है। अगर कल इसी के नीचे क्लोज नहीं होता है तो फॉलोअप क्लोज नहीं बनाता है तो कोटक बैंक में, ठीक है। आ जाते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की भी क्लोजिंग क्लोजिंग आज बैंकों की ठीक नहीं आई है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जैसे इसने भी 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। तो कल अगर ये आपको इस लेवल के लगभग मिल जाता है 212, ठीक है, या 213, वहां पे आपको एक बार बाइंग करनी चाहिए। क्या बोला मैंने, बाइंग करनी चाहिए। सेटअप अभी भी बाइंग का ही है, ये आप समझ लीजिए, सेलिंग का सेटअप नहीं है। सेलिंग का सेटअप कैसे होता, ये जो EMA आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ होते, ठीक है, और ये कैंडल ऐसे बनी होती। मैं आपको दिखाता हूँ कब ये सीन सिनेरियो, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ भी कंजेस्टेड सा हो रखा है, ठीक है, यहाँ भी कंजेस्टेड सा हो रखा है। यहाँ पे ये जो EMA नीचे है ये EMA यहाँ ऊपर है, तो ये सेटअप सेलिंग का है, ठीक है। और ये सेटअप जितना आप इनके करीब से बाय कर सके, 20 EMA, 50 EMA, ये सेटअप बाई का है, ठीक है। ये दोस्तों अपनी EMA की स्टडीज है और मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंदुसिंद बैंक पे। जैसे कल इंदुसिंद बैंक ने ब्रेकआउट दिया था, इस लाइन का ब्रेकआउट दिया था, बट एक ही दिन दिया, अगले दिन नीचे आ गया, इसके फॉलोअप कैंडल नहीं बनी, तो इट मीन्स ये ब्रेकआउट भी फॉल्स ब्रेकआउट था। इट मीन्स ये ब्रेकआउट भी फॉल्स ब्रेकआउट था। अब इंदुसिंद लेवल पे आप सुनिए, 900 1000 के लगभग अगर आपको मिलता है ना, 990 और 1000 के बीच में, वहां पे आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। सेटअप बाई साइड के बने हुए हैं और इतने अच्छे बने हुए हैं कि वहां पे आपका रिस्क बहुत कम है। क्या है, रिस्क बहुत कम है। जैसे मैंने कल इसमें 103435 था, वहां पे आपको बाइंग बोल दिया था, ठीक है, और SL क्या दिया था, 1031 के नीचे जितना क्लोज हो जाए, कोई भी क्लोज हो जाए वो आपका SL, ठीक है। कितना, 4 से 5 पॉइंट को टारगेट दिया था मैंने, 1250, ठीक है। कोई नहीं दोस्तों, जिसका ऐसा लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये 1250 जाएगा तो जाएगा, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से, ठीक है। पर कितने दिन ये यहां पे खिचड़ी पकाता रहेगा हमें वो देखना है। अब अगर आप टाइम में से पूछा जाए तो मैं एक बार फिर आपको कोशिश करता हूं बताने की, ये ठीक है, कितनी कैंडल और बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 दिन और है, मतलब जून जून का महीना निकाल सकता है। उसके बाद तो इसने डिसीजन लेना ही पड़ेगा भैया, इसने नीचे जाना है ऊपर जाना है, पर नीचे सपोर्ट बहुत है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको 1031 के ऊपर ही करिए, अगर यहां भी कर सकते हैं ना और आप होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, कि सी, देखो सी जिसने लेनी है भाई वो जब ब्रेकआउट आए तभी ले। अगर वो यहां सी लेके बैठ गया, मैं तो यहां से जानता हूं ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 1000 रुपये लेवल पे था, 1 जून से जानता हूं। पर सी जो लेके बैठा है वो तो भाई अब तक ही पूरा बर्बाद हो चुका होगा, जून का 16 तारीख चल रही है, तो जब तक ये ब्रेकआउट ना हो सीपी में, तो सीपी में हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे खेलना है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन कैरी करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, नहीं तो इंट्राडे ही बुक करके अपना घर चलो। फ्यूचर में और कैश में जो खेलता है वो यहां पे भी बाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर किस दिन जाके ऊपर जाएगा वो कोई नहीं बता सकता भाई, ठीक है। अब आ जाइए SBI में, देखो SBI की भी क्लोजिंग ठीक नहीं है, जो सारे इंडिकेशन दे रहे हैं, एक बार को तो बैंक निफ्टी आपको नीचे मिलेगा 34700-800 के बीच में, 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, तो कल अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है 423 के नीचे, ठीक है, लिख लीजिए आप, 423 के नीचे जाएगा तो आपको 418 के दर्शन दे सकता है, 423 के नीचे जाएगा 418 के दर्शन दे सकता है, और बाई करिए इसको 432 के ऊपर तो आपको 441 के दर्शन दे सकते हैं, बस
432 423 इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, हाथ मत लगाइए एसबीआई को। बंधन बैंक अपना आखिरी बैंक, इसको भी कवर कर लेते हैं गाइस। इसको बाय करिए आप, या तो 325 के ऊपर बाय करिए, ठीक है 325 के ऊपर बाय करिए, या अगर ये आपको 315 पे मिलता है वहां पे बाय करिए, 323 के ऊपर बाय करिए या 315 पे मिलता है वहां पे बाय करिए, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मैंने सारे बैंक एक एक करके कवर कर दिए। इन केस बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।